तो हमारे साथ मनीष ठाकुर भैया जुड़ चुके हैं, जब तक वो कैमरा सीधा करें। मनीष भैया, आज अमित शाह जी ने जो पंजाब को एडवाइजरी जारी करी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसके बाद शाम होते होते किसान आंदोलनकारियों के तो सुर बदल गए कि अभी दिल्ली नहीं कूच करेंगे दो दिन के लिए। अच्छा, ये एडवाइजरी भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, मैं बता रहा था, एक फैक्टर है जो संदेश खली से जुड़ता है कि एक सिख को पता नहीं क्या कहा गया नहीं कहा गया। हालांकि मैं मानता हूं कोई राष्ट्रवादी ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन FIR सुवेंदु अधिकारी के प्रति हुई पंजाब में, और उसके बाद ये एडवाइजरी जारी हुई, तो बटरफ्लाई इफेक्ट तो नजर आ रहा है। कैसे आप देखते हैं इस पूरे प्रकरण को कि क्या अब अमित शाह ने कह दिया है कि भैया बहुत ज्यादा हो गया, अब अगर इनको टैकल ठीक से नहीं किया तो ये हैम्पर करेगा भारत के, ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली तो हैम्पर करेगा करेगा, लेकिन एक इमेज को लेकर के जो सरकार की सख्त इमेज रही है कि भाई ये कुछ भी हो बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, एक चीज तो साफ हो गई है कि अब तो इसे किसान आंदोलन कहना ही किसान शब्द का अपमान है। ये तो आप शुरुआत अभी कह ही रहे थे कि ये इनको किसान तो माना ही नहीं जा सकता, और ये अब हम और आप नहीं कह रहे, ये पंजाब में अब सिख समुदाय भी कह रहा है। आप देखिए कि बड़े पैमाने पे जो है वहां के जो यूट्यूबर्स हैं, अब चूंकि इस कदर चीजें हो गई कि हमारे आपके जैसे लोग या फिर खास करके जो ऐसे यूट्यूबर हैं जो फील्ड में जाकर के रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कई ऐसे रिपोर्टर जो पंजाब के हैं, वो पंजाब के जर्नलिस्ट पंजाबी भाषा में भी आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पे लोग हैं कि अब वो सिख भी कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। और सबसे गंदा नैरेटिव जो पिछली बार गढ़ा गया कि ये एक अन्नदाता है, ये मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। अब वो शब्द जो है अन्नदाता वाला फ्रॉड खत्म हो गया, इन्हें अब पब्लिकली कोई किसान यदि होगा तो अश्रु गैस के लिए जो इतने महंगे महंगे जो मास्क ला रहे हैं वो कहां से आ रहा है भाई? इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर जो आ रहे हैं, ये पूरे बैरिकेड्स को तोड़ देने वाले ट्रैक्टर कहां से आ रहे हैं? तो ये सामान्य किसान कैसे कर सकता है? ये BMW से कौन किसान चल रहा है? इसका मतलब है ये भारत पर बड़ी साजिश है। और देखिए कई बार क्या होता है ना अभिषेक, कि हम और आप जो सोच रहे होते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूं कि सरकार, और वो भी जो प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार है जिसका आत्मबल इस कदर मजबूत है, कई बार वो स्ट्रेटेजिकली बैकफुट पे आती। हमें कई बार गुस्सा आता है कि अमित शाह वो काम क्यों नहीं करते हैं जो योगी आदित्यनाथ कर लेते हैं। सेंटर और राज्य सरकार की भी कई मर्यादाएं होती हैं, और कई बार जब आप एक बड़े परिपेक्ष को बड़े उद्देश्य के लिए चलते हैं तो उसके भी एक वजह होती है। अब ये की समझने की जरूरत है, मैंने दिन में आज एक शो किया है, ऐसा क्या है कि राकेश टिकैत क्यों नहीं है इस आंदोलन में, गायब क्यों है? पिछली बार तो सबसे बड़ा सरगना यही था, कैमरे पर सबसे ज्यादा कौन दिखाई देता था? राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, ये दोनों कहां गायब हैं? ये जो आज योगेंद्र यादव कहता था कि हम पिच तैयार कर रहे हैं, इस बार क्यों नहीं पिच तैयार कर रहा है? तो आप इस बात को समझिए कि बड़े पैमाने पर गहराई से काम हो रहा है। हर्ष मंदर और योगेंद्र यादव, सोनिया कुनवे का वो एक सरगना में शब्द इस्तेमाल करता हूं कि वो एक गैंग वो था जो सुपर कैबिनेट सोनिया गांधी जो चलाती थी, उसका हर्ष मंदर एक रिटायर भी नहीं था, IPS ऑफिसर था, उसके यहां जो छापेमारी हुई है, मेरा पूरा भरोसा है कि चूंकि मैंने गृह मंत्रालय लंबे समय कवर किया है, कि पूरा मेरा भरोसा है कि हर्ष मंदर की फाइलें जो खंगाली गई है उसमें योगेंद्र यादवों का और ये पूरा NGO गैंग का पूरा एक तरह से पोल पूरी तरह से खुल गई, और इन सबको पता है कि हलवा टाइट, जो अपने बिहार में कहते हैं ना कि हलवा टाइट कर देना, वो हलवा टाइट इन लोगों का हो चुका हुआ है। उसकी वजह मुझे लगता है कि यूं ही ये किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब तक क्यों सीमित है? शंभू बॉर्डर क्यों? सिर्फ शंभू बॉर्डर क्यों? क्योंकि इस बार तो मनीष भैया हरियाणा और पश्चिमी यूपी का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, वो लोग तो गाली दे रहे हैं, वो लोग तो बोले लठ बजाइए हम आपके साथ हैं। इसकी वजह दो तीन चीजें हैं। कई बार देखिए क्या होता है ना, सरकार बहुत सारे स्ट्रेटजी पे चलती है, और ये जो भाई एक चीज बताइए कि इतने 28 राज्य में सिर्फ पंजाब में किसान होते हैं क्या? और कहीं किसान नहीं? बिहार में किसान नहीं है, यूपी में किसान नहीं है, केरल में, तमिलनाडु, ये तो भाई लेफ्टिस्ट और एंटी BJP स्टेट ही बना हुआ है ना वो पॉलिटिकली, तो वहां से क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ पंजाब ही क्यों? और जबकि सबसे ज्यादा माला माल पंजाब के किसान हैं।
देश के दूसरे ही लोगों किसानों का हिस्सा खा रहे हैं ये। अब वो भी मान ले जाके एमएसपी पे बेच देते हैं, एमएसपी पे बेच देते हैं दूसरे जगह के, अब तो खुल करके आ रहा है कि बिहार यूपी का माल लेकर के एमएसपी पे बेच देते हैं। और किसी के बाप की जागीर है क्या, हर किसी को यदि 10,000 रुपए, पर तुम्हारी मांग क्या है, तुम्हारी मांग भारत के अर्थतंत्र को चौपट कर देने वाला है। 10,000 रुपए इन चिरकुटों को मतलब अयासी करने के लिए। अब देखिए कि कई रिपोर्टर्स के तो भी कि शराब का धंधा चल रहा है, इसके बिना ये जी नहीं सकते। ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है सिखों को लेकर के, आप देखिए जो शाहीन साजिश शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूं, शाहीन बाग में जो कुछ भी था, शाहीन बाग में कौन था, ये जो लंगर लगा रहे थे, लंगर गैंग कौन था, अब इस लंगर गैंग के साथ वहां पर छोटा पैजामा गैंग वहां घुस गया हुआ है। तो ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र है। क्यों षड्यंत्र है, कि इनका सब एजेंडा फेल हो गया, जो कांग्रेस पार्टी का पूरा एजेंडा फेल हो गया। पहले रोहित वेमुला से शुरू किया था 2014 में, यदि आपको याद होगा, एक फर्जी दलित, फिर अवार्ड वापसी गैंग, फिर उसके बाद आदिवासी वाला मामला। इन लोगों का इस देश में जो तुष्टिकरण का जो खेल था वो फ्लॉप हो गया, तो सनातनी हिंदू पहली बार एकजुट हुआ। तो राहुल गांधी का गुस्सा किस बात का है, वो वीडियो मैंने ट्विटर पे दिया है, यदि आप दिखा सकें तो वो दिखा पाएंगे उस चीज को, कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि राम जय श्री राम, जय श्री राम क्या कर रहे हो, मतलब इस कदर नफरत है कि तुम पूरे यात्रा में पूरे देश की नजर अयोध्या पे है, तुम अयोध्या नहीं जा रहे हो। तुम बनारस गए तो वहां कह दिए कि बनारस के लोग शराबी होते हैं, शराब पीते हैं, मतलब हद है कि आप अपमानित कर रहे हो। दूसरी चीज हद तो ये कर दिया यूपी में कि एक इंडिया न्यूज के पत्रकार की जाति पूछना, तुम्हारे मालिक की जाति क्या है, और कांग्रेसी टूट करके उसको पीट रहे थे, वो बड़ा मुझे बुरा लगा। मुझे तो लगता है कि मैंने अपने अपने चैनल्स के माध्यम से भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं योगी आदित्यनाथ सरकार से आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह होगा कि राहुल गांधी के ऊपर इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मतलब ये उसमें तो हत्या, एक इरादतन हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हत्या के प्रयास का मुकदमा। क्योंकि और यही चीज असम में हुआ है, असम में कांग्रेसी इन गुंडों ने असम पुलिस पर अटैक किया, हेमंत बिस्व शर्मा ने FIR करवा दिया। तो मुझे पूरा विश्वास है चुनाव के बाद अरेस्ट करेंगे, हाँ चुनाव के बाद। तो योगी आदित्यनाथ कोई हेमंता से कम नहीं है, और मुझे हमेशा आज के डेट में पूरे देश में 2 CM सुपरस्टार लगता है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि पूर्वोत्तर में एक ऐसा नायक, एक ऐसा राजनेता है जिस पर भारत ये उम्मीद कर सकता है कि भविष्य का भारत का प्रधानमंत्री कोई पूर्वोत्तर से भी आ सकता है। तो मुझे लगता है कि उसके नायक एक योगी आदित्यनाथ भी है, और हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया न्यूज की तरफ से FIR होना चाहिए, क्योंकि उनका अपमान किया गया है। और इसकी वजह जानते ही क्या है, इंडिया न्यूज का जो मालिक है विनोद शर्मा के पुत्र कार्तिकेय शर्मा, वो राज्यसभा के MP हो गए हैं, BJP के सपोर्ट से गए हैं। विनोद शर्मा कांग्रेस कोटे के थे सालों से, विनोद शर्मा किसके दामाद हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के। तो पूरा बैकग्राउंड कांग्रेस का है। और देखिए ये मुझे राहुल गांधी ने यूं ही नहीं टारगेट किया इंडिया न्यूज को, यूं ही नहीं टारगेट किया कार्तिकेय शर्मा को, क्योंकि क्या होता है ना, वो कार्तिकेय शर्मा विनोद शर्मा का बेटा कांग्रेस का था, वो इधर चला गया, रिपोर्टर क्या रखता है, गनमाइक होती है उसकी पहचान, उसकी हुई। आप देखेंगे किसान आंदोलन में कोई भी रिपोर्टर सामान्यतः गनमाइक टीवी चैनल का नहीं रखता, और News 24 में राजीव शुक्ला के चेले रखते होंगे, क्योंकि वो खुल करके सपोर्ट में है, वो सनसनीबाद जो है वो खुल करके, तो वो लोग माइक अपने रखेंगे। लेकिन आमतौर पर इस तरह के रिपोर्टिंग करने के दौरान ऑफिस में भी समझाया जाता है कि अपनी पहचान आइडेंटिटी छुपाइए, महिला रिपोर्टर ज्यादातर रखिए, क्योंकि महिला पर अटैक, आपको पुरुष रिपोर्टर होगा तो आपको अटैक कर देगा, इसीलिए ज्यादातर इस तरह की चीजों में महिलाएं सफल हो जाती है। आप देखेंगे यूट्यूबर भी ज्यादातर महिलाएं सफल हो रही हैं, उसकी वजह है कि महिलाओं को, बिल्कुल, अब महिलाओं पर अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप News 24 के अलावा सामान्यतः टीवी चैनलों के, NDTV भी अब गनमाइक बिना वो लाल डिब्बे के बगैर रहता है, क्योंकि चीजें बदल गई हैं। आज तक के रिपोर्टर को भी आप देखेंगे, मैक्सिमम टीवी के रिपोर्टर, क्योंकि वहां पर भीड़ का कोई मानस नहीं होता, वो कभी भी अटैक कर देता है, कुछ भी कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि गन माइक, और लेकिन नेताओं की जब रैली होती है तो उसमें माइक लेकर के रिपोर्टर होते हैं। तो इंडिया न्यूज के माइक से पहचान गया, और उस युवक ने अपना नाम बताया कि मेरे ख्याल से शिव प्रसाद यादव, उसकी आवाज आ रही है, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी धूर्तता से यादव नाम नहीं लिया, क्योंकि उसे पता था कि उत्तर प्रदेश में यादव नाम लेना बैक बाउंस कर सकता है। तो तुम उस रिपोर्टर का पूरा नाम क्यों नहीं लिए, और वो तो भाई OBC ही था, तुम्हारा मालिक OBC क्या है कि नहीं,
ये एक बिल्कुल हिंदुओं को जाति में जो बांटने का जो एक हमेशा जो एक एक बांटने की साजिश कांग्रेस की रही है, और उसका इंटेंशन इस किसान आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में एक बड़े फसाद की थी। मुझे लगता है कि कम से कम उससे निकल गए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि वहां यूपी से निकलने के बाद योगी आदित्यनाथ इस पर मुकदमा दर्ज करेंगे। कार्तिकेय शर्मा कंप्लेनेंट यदि बनेंगे, उनका रिपोर्टर यदि इस मामले में कंप्लेंट बनेगा, तो राहुल गांधी की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएगी। हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला है, और हत्या का प्रयास ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ देने की एक बड़ी साजिश थी, मुझे ऐसा लग रहा है, किसान आंदोलन की आड़ में। मनीष भैया, जो मैंने पहला प्रश्न पूछा था, थोड़ा आएंगे संदेश खली पे, क्योंकि वहां भी रिपोर्टर्स के साथ कुछ ऐसा ही है। वो रिपोर्टिंग कर रहा था शांतु पॉल, और वहां से उसको जिस प्रकार से रिपब्लिक के रिपोर्टर को खींच करके पुलिस ले गई, और चूंकि अपराधी को नहीं पकड़ पाए, कोई एविडेंस नहीं है कि जो पुलिस की वर्दी में है उनके लिए किसी भी राष्ट्रवादी ने अपशब्द कहा हो, लेकिन वो एफआईआर शुवेंदु अधिकारी के प्रति पंजाब पुलिस फटाफट दर्ज करती है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दीबाजी में थी। क्या वही इम्पैक्ट है जो आज एडवाइजरी अमित शाह जी ने जब जारी की कि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का संभालो, बहुत बिगड़ रहा है, और उसके बाद किसान आंदोलनकारियों ने फर्जी किसान आंदोलनकारियों ने दलाल लोगों ने अचानक से शाम को 5 बजे कहा कि 2 दिन अभी हम दिल्ली यात्रा कूच नहीं करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, उसके बाद बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगाल करते करते पंजाब में राष्ट्रपति शासन हमको देखने को मिल जाए? देखिए, इसकी वजह यह है कि मामला हाईकोर्ट में भी है, और हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने भी चिट्ठी, हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है कि आपके राज्य से उग्रवादी लोग, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, और खतरनाक हथियार लेकर के एंट्री कर रहे हैं, पंजाब पुलिस पर हमला कर सकते हैं, और लिखित दस्तावेज के बड़े मायने होते हैं। नरेंद्र मोदी अक्सर यही काम करते थे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब कभी भी कोई मामला उठता है, तो उन्होंने पब्लिकली कहा कि जब गुजरात में 2002 में दंगा हुआ, तो उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, उस सब दोनों को चिट्ठी लिखी थी, पड़ोस के दोनों राज्य से पुलिस बल मांगा था, दोनों कांग्रेस शासित थे, दोनों में से किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। तो यही एक बल होता है कि पब्लिकली गुजरात के मुख्यमंत्री, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दिग्विजय को कई बार अपमानित करते हैं कि दिग्गी वाजा तुम चुप रहो, तुमने ऐसा कुछ किया। अब ये जो चिट्ठी है, उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था, आज सोशल मीडिया का दौर है, वो चिट्ठी तैर रही है सोशल मीडिया पर, पंजाब के हरियाणा के डीजीपी की चिट्ठी, जिसमें ये कहा गया है कि हरियाणा के पुलिस पर अटैक, भारत की पुलिस है वो, चाहे पंजाब की हो चाहे वो हरियाणा की हो, कोई उग्रवादी, मतलब आप यदि पुलिस पर हमला करते हैं, पुलिस पर कौन हमला करता है? पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए होती है, पुलिस आपकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए होती है, पुलिस पर कौन हमला करता है? पुलिस पर उग्रवादी मानस, सामान्य आदमी तो पुलिस पर हमला नहीं करेगा ना, बिल्कुल किसान तो संभव ही नहीं है जो। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, उसको साथ में ले लीजिएगा मनीष भैया, कि ऐसा कोई किसान हो सकता है क्या कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को चैलेंज करे कि 10 मिनट के लिए अगर हो गए तो हम पाकिस्तान का बॉर्डर खोल करके पूरा पंजाब मिला देंगे, दिल्ली तक पहुंच जाएंगे? ये जो बातें, ये कैसे किसान कर सकता है? जी कैसे, वही कह रहा ना कि ये चूंकि आपका इंटेंशन कुछ और है, आपका एजेंडा कुछ और है। आप भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की बात करते हैं, आप कहते हैं उस बार पंजाब में आया था, बच गया, आपकी बार बच नहीं पाएगा। आप देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कह रहे हैं, ये आप ये कह रहे हैं कि हमको इस सरकार को हटा देना है, तो सब्र कर लो, 4-5 महीना ही तो बचा हुआ है, सरकार हटा लेना, यदि तुम्हारी औकात होगी तो हटा लेना, ठीक है? तो क्या सब ताल ठोक करके गए हुए थे उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, और ये पूरा खैरातियों का गैंग तो बना भी दिया था उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार को, बना भी दिया था। तो यदि तुम्हारा ऐसा, लेकिन इन चीजों को लेकर के दिख रहा है इनका पूरा एजेंडा। सबसे बड़ी बात है कि तुम खालिस्तान बनाना चाहते हो तो लाहौर में बनाओ ना खालिस्तान, पंजाब की राजधानी तो लाहौर थी ना, सिखों का जो मेन सेंटर पॉइंट है वो तो लाहौर है, तो खालिस्तान तो वहां बनना चाहिए ना, वहां खालिस्तान बनाओ। और तुम किससे मिल रहे हो के साथ? वही मैं सरप्राइज हो गया, कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों के साथ मिलकर के हिंदुस्तान को रौंद देंगे। तो ये चीजें हैं अभिषेक, कि साफ इनका इनका
जो इंटेंशन है वो साफ दिख रहा है, वो भारत विरोध का इंटेंशन है, और इनके साथ जो लोग खड़े हैं वो धीरे धीरे नग्न हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि अमित शाह ने जो स्टैंड लिया है वो बहुत गंभीर है, कि पब्लिकली समझ जाए कि पंजाब में केजरीवाल की सरकार क्या चाहती है और क्यों आज तक केजरीवाल खालिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। अब ये चीजें होती है कि क्यों कब कब का केजरीवाल पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों के यहां ठहरते थे, जिसकी बात कुमार विश्वास ने किया, वही उन्हीं के साथी जिनके साथ आप रहे वो करते रहे हैं ना। तो ये चीजें साफ दिख रही है कि छलावा जो केजरीवाल आज विधानसभा में कर रहे थे, फुदक फुदक करके कूद रहे हैं, इन सबको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया तो हम इससे पूरी नैरेटिव को बदल देंगे। एक भ्रम में ये जी रहे हैं। दरअसल एक एक मसाला इन लोगों को मिल गया फुदकने का, और इन्हें लग रहा है कि इस समय यदि राष्ट्रपति शासन यदि लागू कर दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पास है। इन्हें लगता है कि पंजाब में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस स्थिति में पंजाब जहां जा रहा है, जिधर पंजाब को ले जाया जा रहा है, वो बहुत भयावह स्थिति है, और भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी इस मामले में अब दखल देने की। थोड़ा बंगाल पे बात करते हैं कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, ममता बनर्जी ने उस पूरे मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए, यूं कहें डाइवर्ट करने के लिए, किसानों की तरफ चला, उस पर वो ट्वीट कर बैठी कि बताइए इस देश में अन्नदाताओं का अपमान हो रहा है। मेरे पास एक आंकड़ा है मनीष भैया, मैं आपको इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूं। पिछली बार 45% से अधिक वहां पे किसानों की बंगाल में फसलें जो है एमएसपी पे खरीद नहीं पाई सरकार। ये डेटा है, ये सरकारी आंकड़ा है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, 45% से अधिक है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस स्टेट में लोगों को ब्लीचिंग पाउडर दिया जाता है 2 रुपए का कि तुम ठीक ढंग से उस पानी में मिलाकर के शुद्ध पानी पीना, जहां पे टाटा की फैक्ट्री लगनी थी वो पूरा बंजर हो गया, वहां पे आज भी 2000 रुपए लोगों को मिलते हैं भत्ता जीने के लिए, वो पूरी बंजर जमीन है। उस स्टेट की, एक फेल्ड स्टेट की चीफ मिनिस्टर ये बात कैसे कर सकती है? और जिस प्रकार से पूरे उस केस को दबाने की बात हो रही है, संदेश खाली वाली पूरे इसको कैसे देखते हैं आप उस पे? देखिए, बंगाल अपने आप में कोलकाता एक कहानी कहती है कि सिर्फ ममता काल में नहीं, वामपंथ से लेकर के इस ममता के दौर में जो बंगाल बर्बाद हुआ है। बिहार के लोग ज्यादातर पहले रोजगार के लिए कलकत्ता जाते थे, अब मुझे लगता 1% बिहारी भी, नया बिहारी कलकत्ता नहीं जाता, जो गया वो वापस मुंबई आ गया या दिल्ली आ गया। हम लोग जब छोटे थे तो यही सुनते थे, फलाना का चचा, फलाना के बाबूजी कहाँ है, कोलकाता में है। तो पूरा बिहार और पूर्वी यूपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोलकाता में रोजगार के लिए जाता था, आज वहां से लोग रोजगार के लिए दूसरे जगह जाते हैं। पूरे बंगाल को तबाह बर्बाद कर दिया गया, और जिस भले मानुष को लगता था, कहा जाता था कि बंगाल जो देश आज सोचता है बंगाल पहले सोच लिया होता है, जो देश कल सोचेगा वो आज सोच लिया जाता है, उस बंगाल के लोग नहीं जग रहे थे, अभिषेक अब वहां के लोग जगने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि जो भी रिपोर्टिंग होती थी बंगला भाषा में होती थी, और बंगला भाषा स्टेट रिपोर्टिंग कैसे होती है हम और आप जानते हैं इस चीज को, कि किस तरह से प्रभाव होता है स्टेट में, तो बाहर नहीं आती थी। सोशल मीडिया के दौर में कुछ चीजें बाहर हुई और कुछ जो एक्टिविस्ट हैं वो इसको पब्लिकली हम जैसे लोगों तक इसको पहुंचा पाए। बहुत सारे ऐसे बंगाल के हमारे व्यूअर्स हैं जो रेगुलर वीडियो जारी करते थे और हम एक तरह से मजबूर करते थे कि आप बंगाल का इशू उठाइए, आप बंगाल का इशू क्यों नहीं उठाते थे, फिर हम लोगों ने बंगाल के इशू को उठाना शुरू किया। अब देखिए वहां पर रिपब्लिक बंगला के रिपोर्टर के साथ क्या कुछ हुआ, पुलिस कस्टडी भेज दी गई उसकी, मतलब ऐसा लग रहा कि क्या। मैं अक्सर कहता हूं, और ये लोग कहते हैं पत्रकारिता की आजादी नहीं है, आज तक गुजरात में किसी भी पत्रकार के खिलाफ, राजदीप सरदेसाई ने लगातार फर्जीवाड़ा किया, नाम लेके कह रहा हूं, मैंने अपनी किताब में सबूत के साथ, आपके पास तो किताब है, बरखा दत्त ने किस तरह से फर्जी रिपोर्टिंग की, कैसे तिस्ता सी तलवार इन लोगों को बुला करके एजेंडा चलाते थे, एक पत्रकार पे कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज के दौर में देखिए तो अर्णब गोस्वामी जैसे बड़े नाम का, जो इतनी बड़ी टेलीविजन चैनल के मालिक है, वो सामान्य पत्रकार भी नहीं है, उन्हीं के एक रिपोर्टर के साथ क्या हुआ। दिल्ली के दो दो एंकर, रोहित रंजन मेरे साथ काम करता था, रोहित चैनल में, रोहित से वो जब सुधीर चौधरी के जगह पे काम आया तो मैंने उसे कई बार कहा भी,
कि मुझे भी लगा चौंकाने वाला कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसे मिली। लेकिन षड्यंत्र क्या होता है कि रोहित को कुछ ही दिनों बाद उसको ऐसा टॉर्चर किया गया और उसके खिलाफ पुलिस आ गई, छत्तीसगढ़ की पुलिस उठाने आ गई, टीवी 18 के एंकर को राजस्थान से पुलिस उठाने आ गई, कई लोगों को पंजाब में जब केजरी की सरकार आई। मत कहने का मतलब यह है कि जो लोग ये कहानी कर, राहुल गांधी को देखिए एक पत्रकार को कैसे टॉर्चर कर रहा है कि पब्लिकली, आपने कभी सोच सुना कि किसी बीजेपी स्टेट में, ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं खेल वो भी कर, लेकिन इस तरह से किसी पत्रकार को टॉर्चर किया गया हो पब्लिकली की जाति बताओ, कौन जात हो तुम, तुम्हारा मालिक कौन जात है, और जिस तरह से कैसे कोई पत्रकार काम कर पाएगा उस स्टेट में, कैसे सच दिखा पाएगा। और मुझे लगता है सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि रिपब्लिक चैनल के बारे में चर्चा देश के कोई बड़ा टीवी चैनल नहीं कर रहा, किसी को कोई मतलब ही नहीं लग रहा कि किसी को कोई मतलब भी है इस पर। ये इसी के कारण ममता बनर्जी जैसी नेताओं को एक साहस मिल जाता है। यदि इसके पीछे, अब चूंकि एक चैनल लगातार अपनी रिपोर्ट दिखा रहा है, सच सामने आ रहा है, तो बहुत सारा एक्शन जो ममता बनर्जी ने पिछले 15-20 दिन में लिया है वो पहले कभी नहीं लिया था। तो इसीलिए बदलाव के संकेत दिख रहे हैं, धीरे धीरे ही सही बदलाव के संकेत दिख रहे हैं कि ममता बनर्जी को लगता है कि 35% का जो वोट थोक में है, जो लालू यादव को लगता था बिहार में, क्या मतलब है हमारे पास 29-30% वोट फिक्स है, MY समीकरण से फिक्स है और बाकी तो बट ही जाएगा। तो जब 29-30% पे चुंच खरकाने बन जाया करती थी वह तो ऐसा होता था, लेकिन चीजें बदली है कि 35% के बल पे यदि ममता बनर्जी सत्ता चाह रही है तो इसमें जिम्मेदारी बीजेपी की है, बंगाल बीजेपी की, केंद्र की सरकार की। बहुत सारे लोग पीड़ा में बंगाल से कहते हैं, मनीष जी आप कहते हैं, लेकिन हम लोग भी तो, इतना बड़ा विपक्ष तो बीजेपी को बनाया गया, जिस बीजेपी का बंगाल में वजूद नहीं था वो यदि इतनी बड़ी विपक्ष बन चुकी हुई, तो निश्चित रूप से विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है कि बंगाल के लोगों को एक आतंक के राज से मुक्त दिलाए। आपका ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले मैंने शेयर भी किया था, जब शुभेंदु अधिकारी गए थे वहां पर और जो रिस्पॉन्स था वहां पर, ममता बनर्जी डरी हुई है शुभेंदु अधिकारी से कि ये आदमी जो है डर नहीं रहा है, हमने 2 मई के बाद सारा कुछ कर दिया खेला होबे के नाम पे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी है जो लगा रहा अंदर से, फिर पहले लोगों को फिर से बसाया, फिर इनको वापस जोश देकर के फिर उठाया और आज फिर से बीजेपी इमर्ज हो गई बंगाल में, फिर से बीजेपी 16 से 18-19 सीटें 20 सीटें लेती हुई दिख रही है। तो क्या एक जो फियर फैक्टर है वो ममता बनर्जी को और क्रोधित करा रहा है? देखिए, ममता बनर्जी को ये लगता ही नहीं था कि हमारा कोई कुछ उखाड़ पाएगा, क्योंकि उसे लगता था उसने वामपंथ को उखाड़ के फेंक दिया बंगाल से। ममता बनर्जी जब एक थोक वोट होता है ना अभिषेक, ये किसी भी को लगता है कि ये वोट कहीं नहीं जाएगा, उसकी लाचारी है हमारे पास आने का। और वो जो थोक वोट है ना, ऐसा नहीं कि ममता की गुलाम है, ऐसी क्या वजह है कि तुष्टीकरण का वो जो वोट है वो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के बेटे को मिल जाता है, बिहार में लालू यादव के बेटे को मिल जाता है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को मिल जाता है? तो क्या वजह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी राहुल गांधी इतना सब कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी यूपी का मुसलमान उन्हें क्यों नहीं वोट करता, बिहार का मुसलमान क्यों नहीं वोट करता? इसलिए नहीं को राहुल गांधी को पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को पसंद नहीं करता, उसकी वजह है कि सेंट्रलाइज, उसे पता है कि हमारे थोक में हमें वोट गिरने। दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली में जो वोटर 2013 में जब अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं बना पाए, उसमें 1% भी दिल्ली में मुस्लिम वोट माना जाता है कि केजरी को वोट नहीं किया। मेरे कई साथी जो मुस्लिम साथी कहा करते थे कि ये अरविंद केजरीवाल तो संघ का एजेंट है, ये अन्ना हजारे आंदोलन ही संघ का चलाया हुआ है। लेकिन वही एक साल बाद जब 2015 में हुआ चुनाव, सवा साल बाद, तो पूरा का पूरा थोक वोट जो कांग्रेस को जो मिला हुआ था वो पूरा वोट डाइवर्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। वोट परसेंटेज में थोड़ा ही सा अंतर पड़ा 2013 और 2015 में, अरविंद केजरीवाल के वोट परसेंट में थोड़ा सा अंतर पड़ा, लेकिन सीट पूरी तरह से कायाकल्प हो गया। तो ममता बनर्जी को लगता है कि जो 35% का थोक वोट है और उसके बाद जो आम बंगाली हिंदू है, वो यदि 5-7% भी जो दलाल टाइप भी है वो यदि दे दिया, जिसका जिसका सदता है बहुत कुछ, जिसका व्यक्तिगत फायदा होता, कौन है बंगाल में ममता के वोटर? तुष्टीकरण का एक गैंग है और दूसरा जिसका व्यक्तिगत हित सदता है, हिंदुओं में जो इसका व्यक्तिगत हित सदता, ठेका मिला हुआ है, इधर मिला हुआ है, उधर बांग्लादेश से ट्रांसफर करने की कमाई हो रही है, चोलेबाजी जो चल रहा है, पता नहीं क्या क्या कहा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है,
तो वो जो फायदा जो हो रहा है वहां पे जिन लोगों को, वो व्यक्ति कई बार मैं अपने शो में चर्चा करता हूँ अभिषेक, मेरे एक मित्र थे, सीनियर मुझसे थे जब मैं कांग्रेस कवर करता था, मेरे चैनल में काम करते थे, बाद में वो खाली थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था 2019 के चुनाव में, मनीष जी कांग्रेस यदि वापस आ जाएगी हम सब लोग सेट हो जाएंगे। ये सेट होने की जो मानसिकता है ना अभिषेक, ये सेट होने की मानसिकता जो है वो आपको देश समाज कुछ भी नहीं कहीं का नहीं छोड़ता और आपको वहां पे लाके खड़ा कर देता है। और यही वजह है मुझे लगता है कि बंगाल में ऐसा नहीं है कि बंगाल का एक बड़ा समाज ममता का विरोधी नहीं है, लेकिन उसे कुछ नहीं, उसे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन ममता को भय हो जाएगा कि ये 35 के खिलाफ ये 75 ये 65% लोग एक साथ हो गए हैं, उस दिन चूल्हे हिल जाएगी। अब चूल्हे की हुई, यही डर लालू यादव को भी नहीं लगता था, 29% के बल पे लालू यादव ताल ठोकते थे, बिल्कुल मुलायम सिंह यादव यूपी में ताल ठोकते थे, 29% वोट था मिला हुआ था, बिल्कुल क्या फर्क पड़ गया। ये जो सनातनी वोट जो एकजुट हुआ है, कि मतलब तुष्टिकरण का वोट एकजुट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सनातन वोट एक साथ हो जाए तो अन्याय हो जाएगा, ये मतलब मोबिलाइज हो रहा है। तो ये जो भय है, इसी भय के कारण देखिए राहुल गांधी क्या बकवास करते हैं, एक टीवी चैनलिस्ट हर जगह जाति पूछते हैं, मतलब सवाल ये है कि तुमने कितने ऐसे, तुम्हारे दौर में तो जितने बड़े बड़े पत्रकार थे उसमें कितने ओबीसी थे। और मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कांग्रेस के पास नैतिक बल खत्म हो गया है, इसीलिए विपक्ष पे जब आप हमला करते हैं ना, आपके पास अब नैतिक बल नहीं होता। आपके बाप दादों ने 60-70% साल राज किया, आपने क्या किया, इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र गोल हो रहा है। और मुझे, मैं सकारात्मक हूं, मुझे लगता है कि बंगाल में भी बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, बंगाली मानस जग रहा है, और बंगाली मानस यदि थोड़ा सा जग गया, देखिए आप जब तक नहीं जगेंगे तब तक हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते ना, सही बात। इसलिए बंगाली मानस को जगना पड़ेगा। एक कहावत सामान्य सी है कि बच्चे को दूध भी माँ तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है, तो बंगाल को जगना पड़ेगा, बंगाल जग गया है, बंगाल आवाज उठा रहा है बड़े पैमाने पर, इसीलिए बदलाव होगा। और ममता बनर्जी जो आप कह रहे हैं ना कि हिली हुई हैं, उसकी वजह यही है जी। मनीष भी आपके लिए दो प्रश्न है, वो मैं, आप दोनों इस वक्त जमीन पर आम हिंदू वोटर तथाकथित किसान आंदोलन को लेके मोदी सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं या मोदी सरकार से दूर जा रहे हैं? मैं इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, इसके पहले मनीष भैया बताया, मैं अभी महाराष्ट्र में था, किसानों से बात कर रहा था, उन्होंने एक बात बोली कि बेटा आज तक मुझे उस नेता का नाम बता दो जिसने ये कहा हो कि किसान को यूरिया कंप्लीट मिलना चाहिए, ब्लैक में नहीं मिलनी चाहिए। एक नेता का नाम बता दो जो साहूकारों से बचाने के लिए किसान सम्मान निधि डायरेक्ट अकाउंट में दे रहा हो, और अगर फिर भी किसान, ये लोग जो फर्जी लोग हैं ये किसान है ही नहीं, किसान तो हम जैसे लोग हैं और हम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। तो एक ये महाराष्ट्र की मैंने झलक दी, बाकी मनीष भैया पश्चिमी यूपी में रहते हैं तो मनीष भैया को पश्चिमी यूपी का हाल पता है। जी भैया, देखिए मुझे तो कोई वजह नहीं दिखाई देती है, मैं ये कहता हूं कि व्यक्तिगत लाभ, मैं तो पब्लिक चैलेंज के पब्लिक मूड पे कहता हूं कि मैं कहीं जाता हूं मैं किसी नेता से नहीं मिलता, मेरा बीजेपी से पब्लिक मंच पे कह रहा हूं कि कोई वास्ता नहीं है, मैं किसी नेता, मुझे सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अलावा कहीं से भी बुलाहट होती है मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो मुझे लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आपका, लेकिन उसकी वजह है, मुझे लगता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दो शख्स ऐसा है जिसके नीयत पे आप सवाल नहीं कर सकते, बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि दो ये शख्स ऐसे हैं जो नेशन के लिए सिर्फ सोचते हैं, और कभी कभी आपको कुछ लगता है कि इनकी स्ट्रेटजी में कुछ संदेह आपको हो, तब भी लगता है कि ये स्ट्रेटजी भी, ये फैसला भी नेशन के हित में हुआ होगा। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, हम लोग सामान्य पत्रकार बन जाते हैं, पार्लियामेंट कवर करने लगते हैं, पीआईबी की सुविधा मिल जाती है, तो हमें लगता है कि हम अपने घर वालों को कुछ सुविधा दिला पाएंगे इससे, क्या कोई रेलवे में कहीं अस्पताल में, और जिसका जिसका बेटा देश के सबसे पावरफुल राज्य का मुख्यमंत्री हो, जिसका भाई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, सुपर हीरो हो, उसकी बहन, मैं तो पब्लिकली कहता हूं कि भाई भाई में तो कई बार ईर्ष्या होती भी है, लेकिन बहन के लिए भाई में ईर्ष्या नहीं होती, सामान्यता नहीं होती, भाई भाई में ईर्ष्या होती है, ये महाभारत ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, लेकिन बहन और भाई के बीच ईर्ष्या नहीं होती। तो भावुक होकर के रो पड़ते हैं योगी आदित्यनाथ, जो व्यक्ति अपनी बहन के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया,
सिर्फ समाज और प्रदेश के लिए कर रहा है। जिस व्यक्ति ने यह कह दिया कोरोना काल में कि उत्तर प्रदेश की सीमा में जो कोई भी आ गया वो यूपी का हो गया, इस बिहार का चीफ मिनिस्टर दरवाजा बंद कर दिया, और उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर उस समय कह रहा है कि उसकी नियत पर आप कैसे सवाल कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो आपने बहुत कुछ कह ही दिया, मोदी के लिए तो संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि कई बार हमें लगता है कि हम घर बैठे लगता है करे पंजाब में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू कर देते, उस समय हम लोगों के व्यूअर कहा करते थे महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू कर देते राष्ट्रपति शासन, कभी बंगाल के लिए। अरे बंगाल की जनता ने प्रचंड बहुमत से चुना है ममता बनर्जी को भाई, आप हटा देंगे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ मारेगा कि पूरी दुनिया में आपको बदनाम करके रख देगा। तो बहुत सारी चीजें, जब आप कहते हैं ना पंच परमेश्वर जब आप होते हैं कुर्सी पर जब बैठते हैं तब के फैसले, और यूं ही पान दुकान पे गॉसिप करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो जो भी व्यूअर्स आपका सवाल कर रहे थे, मुझे लगता है कि कोई गुंजाइश नहीं। और मैं तो ये कहता हूं जी, यदि आप इसके बारे मतलब इतना बड़ा बदलाव इस देश में हुआ है, एक समय था कि दिल्ली से लोग किसी के घर में हादसा हो जाए तो आप अंत्येष्टि में नहीं पहुंच सकते थे, हाँ जब गाड़ी उठाइए खट से पटना पहुंच जाइए, आप भी गाड़ी उठाते हैं चले जाते हैं, क्या ये सुविधाएं 5 साल पहले थी? मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो कहते हैं मनीष जी उठाता हूँ पटना चले जाता हूँ दरभंगा चले जाता हूँ, और घोर कांग्रेसी हैं। मैंने कहा कि इसके लिए आनंद आता है ना, गांव में बिजली आ गई आनंद आता है ना, शौचालय बन गया घर घर में आनंद आता है ना, तो ये फर्क। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई वजह नहीं है कि साथ खड़े ना हुआ जाए। जे बीजेपी लिख रहे हैं विच पंजाबी यूट्यूबर सी, मैंने बहुत सारे अपने ट्विटर आईडी पे जो पंजाबी सिख भाई हैं राष्ट्रवादी भाई हैं उनके वीडियोस टाइमलाइन पे शेयर किए हैं, मनीष भैया के ट्विटर टाइमलाइन पे शेयर हुए हैं, आप लोग जाकर के एक बार वहां भी फॉलो कीजिए, कॉपीराइट आ सकता है या कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं वो वीडियोज नहीं दिखाता हूँ, आजकल आते हैं। पटेल जी लिख रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। मनीष भैया आप शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, दर्शकों से निवेदन है आज दोपहर में बहुत जबरदस्त मनीष भैया ने एक वीडियो बनाई थी किसान आंदोलन से ही रिलेटेड, उसको देखिएगा। अब क्या है ना कि दो अलग अलग प्रस्पेक्टिव है, मनीष भैया हार्डकोर जर्नलिस्ट हैं, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, तो दोनों की सोच अलग अलग होती है, लेकिन मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को डिकोड करता हूं और अमित शाह जी को, और ये पूरा सिस्टम डिकोड करते हैं, और मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने जो सिग्नल दिए पंजाब की तरफ पंजाब सरकार को वो बेचैनी बढ़ाएगा। और चंडीगढ़ को लेकर के एक अपडेट मैं लास्ट में बता देता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया है, उनको भी बहुमत सिद्ध करना है, अभी तमाशा चंडीगढ़ का समाप्त मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है। जी मनीष भैया लास्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत आपने सही बात कह दी कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप से गलती हो जाए कोई बात नहीं, आपकी नीयत खराब नहीं होनी चाहिए, मामला नीयत का है। यदि आपकी नीयत खराब नहीं और हमें आपकी नीयत पे ही भरोसा है तो गलतियां तो इंसान से होती है, भगवान से भी हो जाती है गलतियां, तो हम जिसे भगवान मानते हैं उनसे भी हो गई है, हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि नेशन के लिए जिसकी नीयत साफ है हमें बस उसके साथ रहना है, और जो कुछ भी होगा जो चंडीगढ़ में हुआ वो मुझे एक बहुत बड़ा छल भी नजर आ रहा है, देखिए आगे आगे होता है क्या, चीजें बहुत कुछ सामने आएगी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं अभिषेक, चूंकि मैंने लंबे समय सुप्रीम कोर्ट के प्रेस बॉक्स में बैठ करके सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है, मैं हमेशा कहता हूं इस देश की सुप्रीम कोर्ट को वही करना पड़ेगा जो इस देश की जनता चाहेगी, और मैं बार बार अपने शो में कहता हूं इस देश की सुप्रीम कोर्ट इस देश की जनता के मिजाज के खिलाफ जा ही नहीं सकती, इसीलिए कुछ चीजें कभी डगमगाती हुई दिखाई दे दें, कुछ कोर्ट फिक्सरों के कारण कुछ प्रभाव हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी इंसान होते हैं। बिल्कुल, और इंसान कहते हैं ना कि जो पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, तो जब ये बात हो जाती है तो वो भी वकील होते हैं और बहुत सारे घाघ वकील हैं जो सब कुछ जान रहे होते हैं, लेकिन इस देश की डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता जो चाहेगी वही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया, दर्शकों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, मात्र 16,000 सब्सक्राइबर चाहिए, 4,00,000 हमारा भी हो जाएगा तो सब्सक्राइब। चलिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं अभिषेक, 4,000, 4,00,000 आप बहुत जल्दी आप पूरा किए, और सबसे बड़ी बात कि आप लोग जर्नलिज्म से बाहर होके चाहे आप हो चाहे अविनाश हो, बहुत बेहतर काम अविनाश भी कर रहे हैं, तो आप लोग लगे रहिए, हमारी शुभकामनाएं आप दोनों को के साथ है, आप सबके साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।